भारत की ताजपोशी के साथ सातवीं विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची में संपन्न हो गई। यह टूर्नामेंट भले ही खत्म हो गया लेकिन इससे जुड़े कई चीजें हैं जो हम जानना चाहते हैं। तो आज मैं आपको झारखंड विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ा सारा लेखा जोखा दूंगा, आपको बताऊंगा कि किस टीम ने सबसे ज्यादा गोल किए, आपको यह भी बताऊंगा कि टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर कौन बनी, मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन हुई, और यह भी बताऊंगा कि भारत के लिए सबसे ज्यादा गोल किन्होंने किए। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। रांची में झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का समापन हो गया है, भारत ने खिताब जीत लिया है। इतिहास में भारत के लिए यह दूसरा वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब है। इससे पहले 2016 में भारत ने जो है वो वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। बात लेकिन हम रांची में संपन्न हुए वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की कर रहे हैं और इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में कुल 6 देशों ने शिरकत की और इसमें जो है 4 टीमें जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुई थी। और आपको बता दूं कि इन 6 देशों के बीच पूरे टूर्नामेंट में 20 मैच खेले गए, उन्होंने मिलाकर 67 गोल किए, मतलब 3.35 गोल प्रति मैच। तो ये एक बहुत अच्छा औसत है गोल के लिहाज से। तो लेकिन आपको यह भी बता दूं कि ये जो 67 गोल कुल हुए हैं ना, उसमें से 27 गोल जो है वो अकेले भारत ने किए हैं। तो ये भारतीय टीम के अग्रेसिव अप्रोच को बयान करता है ये जो आंकड़ा है। भारत ने जो है इस टूर्नामेंट के दौरान 27 गोल किए। कैसे कैसे किए? पहले मैच में उसने थाईलैंड के खिलाफ 7 गोल किए, फिर मलेशिया के खिलाफ 5 गोल किए, और उसके बाद चाइना और जापान के साथ 2-2 गोल किए, फिर उसके बाद कोरिया के खिलाफ लीग मैच में उन्होंने 5 गोल किए, फिर सेमीफाइनल में कोरिया के खिलाफ 2 गोल किए, और फाइनल में जापान के खिलाफ 4 गोल दागे। तो इस तरह से ये 27 गोल भारत की तरफ से हुए। और खास बात ये कि इन 27 गोलों में संगीता कुमारी जो कि झारखंड की खिलाड़ी हैं और भारतीय टीम की स्ट्राइकर हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा 6 गोल किए। दूसरे नंबर पर सलीमा टेटे रही जिन्होंने कि 5 गोल दागे। इसके अलावा वंदना कटारिया ने 4 गोल किए और लालरेम सियामी ने 3 गोल दागे। तो यह है भारतीय टीम की तरफ से गोल करने वाले प्रमुख खिलाड़ी। और भी कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल किए लेकिन उन्होंने 3 से कम गोल किए। अब अगर हम बात करें भारतीय टीम की जिसने कि कुल 27 गोल किए और उसने मैच कितने खेले, 7 मैच खेले, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट अगर आप उनका एक औसत निकालने जाएं तो 4 गोल प्रति मैच आता है। और एग्जैक्ट औसत अगर आप जानना चाहें तो वो होगा 3.85 गोल प्रति मैच। भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा, चैंपियन बनी, तो नेचुरली इनके खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। और आपको बता दूं कि फाइनल की बेस्ट प्लेयर, मतलब प्लेयर ऑफ द फाइनल जो हैं, वो भारत की डिफेंडर बनी दीप ग्रेस एक्का। दीप ग्रेस एक्का को प्लेयर ऑफ द फाइनल चुना गया, जबकि संगीता कुमारी राइजिंग स्टार का पुरस्कार लेने में कामयाब रही। अब सवाल आता है कि टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर कौन रहा, मतलब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो आपको बता दूं कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी भारतीय टीम की ही खिलाड़ी को मिला जो कि झारखंड से हैं और उनका नाम है सलीमा टेटे। सलीमा टेटे ने जहां 5 गोल किए, इसके अलावा जो उनका इंपैक्ट था वो हर मैच में देखने को मिला, खास करके जब वो विंगर्स की बजाय सेंटर में आकर खेली इस पूरे टूर्नामेंट में, तो उनके प्रदर्शन में और निखार आया और उनके हॉकी स्टिक से 5 गोल भी निकले। इसके अलावा जो उनकी स्पीड थी, बॉल पर कंट्रोल था और जो जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को लेकर मूव्स बनाए, इन सारी चीजों को देखते हुए उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है।
तो ये है विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो कि रांची में हुई मरांगबोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में, उसका पूरा एक लेखा जोखा कि कितने गोल हुए और भारत की तरफ से जो है कितने गोल हुए। एक और आंकड़ा आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल भारत के खिलाड़ी ने नहीं किया, संगीता ने 6 गोल किए, लेकिन उनसे एक गोल ज्यादा जो है वो चीन की खिलाड़ी ने किया और उनका नाम है झोंग ज़ियाकी, उन्होंने इस टूर्नामेंट में 7 गोल किया। तो जो टॉप की गोल स्कोरर रही वो आपको ज़ियाकी रही, उन्होंने 7 गोल किए। दूसरे नंबर पर संगीता रही 6 गोलों के साथ, तीसरे नंबर पर सलीमा टेटे 5 गोलों के साथ, चौथे नंबर पर वंदना कटारिया 4 गोलों के साथ। तो अभी आपके लिए सूचना ये कि भारत ने जो है वो विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी तो जीती ही, पूरे टूर्नामेंट में उनके खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन रहा वो लाजवाब रहा। भारत ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल किए और उनके खिलाफ सबसे कम गोल हुए सिर्फ 3। और झारखंड की जो सलीमा टेटे हैं और भारतीय टीम की वो मिडफील्डर हैं, उन्हें जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से नवाजा गया। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।